हरे कृष्णा। तो आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। हालांकि बहुत समय के बाद मुझे अवसर मिला है आप लोगों की सेवा करने का, तो पर बहुत खुश हूँ कि आपसे फिर से जुड़ पा रहा हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो धर्म और कर्म पर आधारित है। हमने बहुत बार सुना है कि कर्म ही पूजा है, अपने कर्म पर आधार रखो, अपने कर्म को करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वर्क इज अ वर्शिप बहुत बार सुना है, पर क्या वास्तविक तथ्य है इस श्लोक का या इस बात का, वो आज हमारे प्रभु जी से जानेंगे सीधी बात प्रभु जी के साथ में। तो प्रभु जी के लिए जो आज लोग पहली बार आए हैं उनके लिए छोटा सा परिचय दे दूं। सनातन धर्म प्रभु हमारे ब्रह्मचारी हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानंद संघ से, और इस्कॉन में आने से पहले उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है NIT से, और उसके बाद टाटा मोटर्स में बतौर मैनेजर वो अपनी सेवाओं को दे रहे थे। फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर अपने पूर्ण जीवन को पूर्णतः समर्पित किया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत भगवान कृष्ण की और भक्तों की सेवा के लिए। तो तब से वो भगवदगीता के आधार पर और भागवतम के आधार पर बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। पूना में खराड़ी करके जगह है, वहाँ पे भक्ति योगा क्लब चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। उच्च वैदिक अध्ययन और व्यवहारिक विज्ञान के प्रशिक्षक है, मार्गदर्शक है और परामर्शदाता है, और बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में व्यवहारू रूप से किस तरह से शास्त्रों का मूल्यांकन करके अपने जीवन को सुगम और सफल बनाना चाहिए उसके लिए बहुत सारे उपदेश देते हैं। तो आज का जो ये विषय है उस पर चर्चा करने के लिए और बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछने के लिए और उनके जो गूढ़ ज्ञान का रहस्य है वो जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे आज के अतिथि और यजमान दोनों वही है हमारे लिए। तो बहुत प्रेम से आदर सत्कार सहित उनका स्वागत करूंगा उन्हीं के कार्यक्रम में सनातन धर्म प्रभु का। हरे कृष्णा जगत प्रभु, बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस, शुरू करने से पहले दर्शकों से क्षमा याचना करना चाहता हूँ क्योंकि आई वॉज इन अ हाउस प्रोग्राम, थोड़ा सेटल करने के लिए और सेटअप करने के लिए थोड़ा समय लग गया, इस बार देरी मेरी ओर से हुई है, सॉरी। कोई बात नहीं प्रभु, ऐसा बताया जाता है कि विरह से और प्रतीक्षा करते हैं उसमें प्रेम और आदान प्रदान और ज्यादा बढ़ता है। तो हम और ज्यादा उत्सुक हो गए आपसे वार्तालाप करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज का जो विषय है वो धर्म और कर्म पे आधारित है। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों के लिए आपको ये जानना चाहूंगा कि धर्म इज अ वेरी वाइड डेफिनेशन, मतलब हर व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से उसका मूल्यांकन करता है, अपने अपने तरफ से उसको समझता है और उसका इंटरप्रिटेशन करता है, पर शास्त्रों के आधार पर वास्तविक रूप से धर्म क्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए कि धर्म क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। हमारे महाभारत में बताया गया है, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतद् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभिर समान। तो दो प्रकार के जीवात्माएं इस संसार में विभाजित की गई है, पहला है मनुष्य और दूसरा है जानवर या फिर पशु जिनको कहते हैं। तो पशु चार कार्य करते हैं, जो है आहार निद्रा भय मैथुन। यस, आद्रा आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, ये चार चीजें। और जो मनुष्य है वो भी ये चार चीजें करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। तो फिर क्या हो, ये समानता है मनुष्य और पशुओं में, लेकिन मनुष्य और पशुओं में अंतर क्या है? तो उस अंतर को बोला है धर्म। तो धर्म वो वस्तु है जो मनुष्य को पशुओं से अलग बनाती है। वैसे तो धर्म के ढेर सारे परिभाषाएं हैं, बट श्रील प्रभुपाद को पूछा जाए तो प्रभुपाद जी बताते थे धर्म मीन्स ऑक्यूपेशन। अभी नॉर्मली हम लोग ये ऑक्यूपेशन ये शब्द कहां इस्तेमाल करते हैं, फॉर जॉब रिलेटेड पर्पस, यानी कि जो हम व्यवसाय करते हैं, कार्य करते हैं, पैसा कमाने के लिए जो साधन करते हैं उसको ऑक्यूपेशन बोला गया। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऑक्यूपेशन क्यों बोला मैंने धर्म की परिभाषा ऑक्यूपेशन क्यों लिखी है, क्योंकि ऑक्यूपेशन ही सस्टेन करता है, यानी कि हमारा पालन पोषण भरण करता है ऑक्यूपेशन। तो धर्म वो होता है जो हमारा पालन पोषण भरण करे, दैट विच सस्टेन्स अस, इज कॉल्ड धर्म। तो अभी शरीर के स्तर पर देखा जाए तो लोग बोलते हैं हम पैसा कमाते हैं क्योंकि पापी पेट का सवाल है, यस, वो भी एक धर्म है, राइट? इसलिए तो संपूर्ण समाज को चार हिस्सों में विभाजित किया गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो चार वर्णानुसार चार अलग अलग कार्य, अलग अलग स्तर के कार्य, अलग अलग प्रकार के कार्य करके जो है लोग अपना शरीर का पालन पोषण भरण कर सकते हैं।
तो उसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। लेकिन धर्म का एक और परिभाषा होता है, यस, वो है दैट विच सस्टेन्स द सोल। जिस प्रकार से शरीर को हम खाना देते हैं, यस, उसी प्रकार से आत्मा को भी खाना देना चाहिए। तो आत्मीय स्तर पर जो धर्म है इसको कहते हैं परोधर्म, दैट विच सस्टेन्स द सोल। तो ये भी धर्म है। तो अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में धर्म को विभाजित करेंगे, भौतिक स्तर पर धर्म जो हमारे शरीर के लिए और इस भौतिक संसार में जीवित रहने के लिए जो है, जो हमें अवसर प्रदान करते हैं या फिर साधन प्रदान करते हैं, उसको धर्म कहते हैं। और दूसरा है आत्मा, जो हमारी वास्तविक अस्तित्व है, उस वास्तविक अस्तित्व का पालन पोषण भरण करना, उसको कहते हैं परोधर्म। सवई पुंसाम परोधर्म यथो भक्ति रधोक्षचे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। यस, तो ये जो है आत्मा का क्या भोजन है, यस, आत्मा को किस तरीके से पोषण कर सकते हैं इस भौतिक जगत में, इसी को अध्यात्म कहते हैं। तो अच्छा हुआ आपने यही प्रश्न मुझे कह दिया। तो बहुत लोग पूछते हैं कि प्रभु जी आपके इस नाम का अर्थ क्या है, गुरु ने आपको ये नाम दिया है सनातन धर्मदास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो सनातन धर्म यानी कि आत्मा का धर्म। तो वास्तविक रूप में जो आत्मा करते हैं, क्योंकि शारीरिक धर्म बदलते रहते हैं, अलग अलग आयु के हिसाब से धर्म बदलते हैं, अलग अलग आश्रम के हिसाब से व्यक्ति के धर्म बदलते हैं, अलग अलग वर्णों के लिए धर्म बदलते हैं, राइट, अलग अलग युगों के लिए भी एक तरीके से धर्म बदल। लेकिन जो आत्मा का वास्तविक धर्म है यानी कि भगवान की प्रेममयी सेवा करना, यही वास्तविक धर्म है, इसको सनातन धर्म कहते हैं। जी प्रभु जी, आपने जब ये इसका धर्म के बारे में आप जब बता रहे थे तो उसमें आपने ऐसा बताया कि समाज को उस आधार पर विभाजित किया गया है, जहाँ पे हम वर्णाश्रम की बात करते हैं तो वहां पर कुछ कुछ लोग होते हैं वो मतलब पता नहीं क्यों बट इस तरीके से मतलब दोषारोपण करते हैं कि यहाँ पर विभाजन का कार्य किया जाता है या अलग अलग श्रेणियों में लोगों को बांटा जाता है। तो उसपे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जब हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करते हैं तो क्या इसमें कहीं पे किसी को निम्न या किसी को उच्च बताने का उच्च पीछे कुछ उद्देश्य है, या किस बेसिस पे इसका विभाजन किया गया है और ये क्यों किया गया है, क्योंकि तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। यस, तो देखिए यहाँ पे ऊंच नीच की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रोल प्ले की बात हो रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से समाज को जो है योगदान देने की बात चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग किसी को ऊंचा किसी को नीचा निचला नहीं बता रहे हैं। वास्तविक रूप में ऐसा बोला गया कि विराट पुरुष जो होते हैं, भगवान का जो रूप है विश्व रूप, उसके चरणों से शूद्रों का निर्माण होता है, पेट से वैश्यों का, भुजाओं से क्षत्रियों का और मुख से ब्राह्मण का। और क्योंकि सिर जो है वो सलामत रहेगा तो व्यक्ति सलामत रहता है, इसलिए ब्राह्मणों को हेड या फिर सिर बोला गया है पूरे समाज का, लीडर्स। यस, लेकिन देखा जाए तो प्रत्येक वर्णाश्रम में जितने भी सदस्य है प्रत्येक का एक ना एक योगदान है और सभी एक समाज में एक तरीके से समन्वय बनाने के लिए आवश्यक है। हम ये नहीं बोल सकते कि इनकी आवश्यकता नहीं है, यही चाहिए हमें, नो वी कैन नॉट से दैट, एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड। ये पहली चीज मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम विभाजित नहीं करेंगे इस तरीके से तब भी लोग रहेंगे। क्या एक 100 विद्यार्थी जो स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको पूछा जाए तो क्या आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो कुछ बोलेंगे हम जो है विद्या का दान करना चाहते हैं, हम लोग वी वॉन्ट बी टीचर्स, हम प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी एजुकेटर्स ट्रेनर्स, तो दैट्स अ ब्राह्मणिकल रोल, वे ब्राह्मण है। कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग जो है जैसे कुछ लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, दे वांट टू जॉइन द आर्मी और उस तरीके से देश की सेवा करना चाहते हैं, वे क्षत्रिय है। और हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यस, व्यवस्थापन का कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर चीजें, ये भी क्षत्रिय है। कुछ लोग बोलेंगे कि हमको व्यवसाय करना है, बिजनेस। कुछ लोग बोलेंगे हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। कुछ लोग कहेंगे वी वांट टू डू काउ प्रोटेक्शन। तो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, तो कृषि करना, एग्रीकल्चर करना, या गोरक्षा, गोमाता की रक्षा करना, वाणिज्य, बिजनेस,
ये सब वैश्य हो जाते, तो क्या इस कैटेगरी के लोग हमें मिलते नहीं? और शास्त्र में कहा गया कि जो भी वेतन स्वीकारता है वो शूद्र की श्रेणी में आता है, या फिर जो कोई भी इन तीनों वर्गों की सेवा करता है वो भी शूद्र में आता है। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट जिगर प्रभु, जब भी हम बात करें आप म्यूट कर सकते हैं क्योंकि मेरा आवाज इको हो रहा है मुझे। तो इस तरीके से विभाजन हुआ गया। तो देखिए श्लोक में जाएंगे, भगवद गीता का 4:13 श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यहां पे जन्म की बात ही नहीं हो रही, गलती तब हुई समाज से जब लोग वर्णों को जो है जन्म के आधार पर विभाजित करने लग गए, ना कि गुण या कर्म के आधार पर। तो जो भी वर्ण है वो गुण और कर्म के आधार पर ही विभाजित किए गए, उस अनुसार जिस भी वर्ण में व्यक्ति ने चयन किया है तो भौतिक धर्म उसको स्वीकारना पड़ता है और वो करना पड़ता है क्योंकि इस संसार में जीना है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और जब आप गुण और कर्म की बात करते हैं तो आज का जो विषय है उसमें कर्म की बात आती है और वो कैसे धर्म से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पर गुण और कर्म की बात करते हैं तो गुण और कर्म ये दोनों कैसे सम्मिलित हैं और इसको कैसे समझा जाए? जब गुण का बात होता है तो ये क्वालिटीज की बात होती है या फिर प्रकृति के जो गुण है उसके आधार पर इसके इसके साथ में जोड़ा जाता है? दोनों सही है, दोनों भी सही है, क्योंकि अगर आप 18वां अध्याय पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 42, 43 और 44 तो इसमें ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं। यस, तो ब्राह्मण के गुण बताए गए, क्षत्रिय के गुण बताए गए और वैश्य और शूद्र के भी गुण बताए गए, दया तप क्षमा शौच आस्तिक्य, ये सब ब्राह्मण के गुण है, ये भी सही है। और ब्राह्मण वो व्यक्ति होता है जो सत्व गुण के द्वारा जो है जिसका संचालन होता है जीवन, उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। और क्षत्रिय को देखेंगे तो तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चापि अपलायनम, ऐसे करके जो है क्षत्रियों के गुण बताए गए हैं और वे जो है रजोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं। वैश्य जो होते हैं उनके गुण ज्यादा बताए नहीं गए हैं गीता में, लेकिन कर्म बताए गए हैं, कृषि गुण, रक्षा, वाणिज्य, और वे जो है रजोगुण और तमोगुण के मिश्रित रूप से जो है उनका जीवन का संचालन होता है। और शूद्र जो होते हैं वो तमोगुण के गुण के अनुसार जो है वो प्रभावित होते हैं। तो गुण वो गुण होता है और कर्म इज ऑक्यूपेशन, जिसकी चर्चा हमने अभी भी की। तो प्रभु जी जैसे हम अभी कर्म की बात करते हैं तो कर्म का भी समझने में बहुत सारी दिक्कत होती है कि अभी एक बार ऐसा बोला जाता है और बहुत प्रसिद्ध लोग भी कर्मण्य निवाधिकारस्ते बहुत बार लोग कोट करते हैं और कर्म के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं वही आपका कर्म है, जैसे आप जॉब करते हैं, विद्यार्थी हैं, तो वो सारे भी कर्म में ही आते हैं। तो जब भगवान बात करते हैं कर्मण्य निवाधिकारस्ते तो वो कौन से कर्म की बात करते हैं और कम कर्म के क्या अलग अलग प्रकार हैं और इसको कैसे समझे कि जब भगवान कर्म की बात कर रहे हैं तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में उस कर्म को बता रहे हैं? क्योंकि अगर मैं आज यहाँ के आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग अ वन टाइप ऑफ कर्म, मतलब वो सेवा का दृष्टिकोण है बट अपना कर्म कर रहा हूँ। और अगर कोई भी व्यक्ति कुछ ठेले पे कुछ बेच रहा है या कहीं पे कोई बिजनेस कर रहा है या कोई गृहिणी घर में काम कर रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति, और ऐसा बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में आता है वो बिना कर्म के नहीं रह सकता, तो क्या कर्म पे हमारा कोई नियंत्रण है? पहला प्रश्न ये है और उसके बाद ये जानना चाहूंगा कि फिर कर्म का कैसे विभाजन हुआ है या फिर सभी प्रकार के कर्म एक ही श्रृंखला में आते हैं। ठीक है, तो जब भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ये बात कही है तो लोग इसको बहुत ही उन्होंने जो है ये भगवद्गीता का सार मान दिया इसको कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, भगवद्गीता में यही है और कुछ है ही नहीं, इस प्रकार से लोगों ने बोला। लेकिन एवरी टेक्स्ट हैज अ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि प्रत्येक श्लोक है उसके पीछे अगर हम पढ़ेंगे तो उसके पीछे बहुत ही एक बड़ा जो है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये श्लोक क्यों बोला गया है, भगवान ने इस श्लोक को क्यों इसकी रचना की गई, उसका पीछे का एक बहुत ही बड़ा रहस्य भी है। सो दूसरे अध्याय में भगवान जो है बुद्धि योग की स्थापना करते हैं। बुद्धि योग कैसा करना चाहिए, यानी कि आत्मा को साक्षात्कार कैसे करें, तो उस संदर्भ में वो कर्म की बात करते हैं। तो ये एक हिस्सा हो गया, राइट? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलु हेतुर्भूर, यानी कि कर्म फल के हेतु से हमें जो है कर्म नहीं करना चाहिए। माते संगोस्तु अकर्मणि, इसको बहुत शॉर्ट में बताऊं, कर्मण्येव अधिकारस्ते, जी हाँ आप अपना कर्म कर सकते हैं,
मां फलेशु कदाचन, लेकिन फल आपका नहीं है, ठीक है, लेकिन फल के हेतु से कर्म भी नहीं करना चाहिए। और चौथा, जो फल नहीं मिला तो कर्म क्यों करे, नहीं, माते संगोस्तु अकर्मणीय, लेकिन तुम्हें अकर्मणी भी नहीं बनना, यानी कि बिना कोई कर्म किए भी नहीं रहना। तो अभी इसमें रहस्यमय बात क्या है, इस संसार में जो है हर कोई व्यक्ति फल प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, तो इसको उल्टा कैसे किया जाए, तो ये कड़ी आगे चल के तभी जुड़ेगी जब आप समझेंगे कि हमें कर्म कृष्ण के लिए करना है। ये आगे आगे, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हियस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, मत्परः सब कुछ मेरे लिए करना है। तो ये इसलिए भगवद गीता की यात्रा में आगे भी बढ़ना चाहिए, ना कि वही स्तर पर रहना चाहिए। पहले तो दूसरे अध्याय में भी कहते हैं, फिर तीसरे अध्याय में पुनर्भगवान बोलते हैं मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास्य अध्यात्म चेतस, बार बार प्रत्येक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि सारे कर्म मुझे समर्पित करो, सारे कर्मों का फल जो है मुझे दो, तभी आप जो है क्या बनेंगे, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि हम कर्म करते हैं और कृष्ण का चिंतन करते हैं। ये भगवद गीता का वास्तविक लक्ष्य बताया गया है, कर्म करो और कृष्ण का चिंतन करो, फल का चिंता नहीं। तो फल का चिंता कब जाएगा, जब कृष्ण की चिंतन आएगी, ये आगे चल के हमें समझ में आता है, राइट। तो फाइन, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपका प्रश्न देखते हैं, तो कर्म इधर क्या बोला गया है, तो इस संदर्भ में कर्म जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो है आपका निर्धारित वर्णाश्रम के अनुसार जो धर्म बताया गया है वो आपका कर्म, उसको आपको करना है। एवरीबडी बेस्ड ऑन वंस नेचर, अपनी प्रकृति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कर्म निर्धारित किया गया है, वो भी आपने पूछा प्रश्न, फॉलो अप क्वेश्चन, राइट। प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्म निर्धारित किया गया है, ठीक है, आपका ये गुण है, चलो आप सत्व गुण में आते, आप ब्रह्म कर्म करेंगे, आप रजोगुणी है क्षत्र कर्म करेंगे, आप रजोगुण और तमोगुण के मिश्रित है, ठीक है, आप वैश्य कर्म करेंगे, और आप तमोगुणी हैं, ठीक है, आप शूद्र कर्म कीजिए। तो हमारे गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार जो है कर्म विभाजित होते हैं, और हमें वो निर्धारित कर्म अपना करना चाहिए। और अगर हम लोग अपना निर्धारित कर्म नहीं करते, स्वे स्वे कर्म कर्माणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नर, देखिए भगवान ने कहा है कि जो अपना निर्धारित कर्म करेंगे संसिद्धिम लभते नर, आप जो है संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर कोई किसी और का कर्म करता है तो दैट इज वेरी डेंजरस, भगवान बताते हैं बहुत खतरनाक है, भयानक है, दो बार बताते हैं, यस, दो बार भगवान बताते हैं कि किसी और व्यक्ति का कर्म करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन क्या कर रहा था, अर्जुन जो है वो स्वभाव से क्षत्रिय है, तो उसको क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करना है, हाँ कि नहीं, यस। लेकिन अर्जुन क्या करने जा रहा था, बोल रहा है कृष्ण मुझे लड़ाई वगैरह नहीं करना है, मेरे को जाके भिक्षुक बन जाना है, मैं जो हूं जंगल में जाऊंगा तपस्या करूंगा, भिक्षा मांग के जीवन अपना व्यतीत करूंगा। तो एक भिक्षुक को बहुत ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए। तो अगर भिक्षुक अर्जुन भिक्षा मांगने जाएगा भिक्षा पात्र लेके, तो एक भिक्षुक का धर्म होता है वो सिर्फ तीन घरों में तीन बार भावती भिक्षाम देही भावती भिक्षाम देही भावती भिक्षाम देही, जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहना है, मुट्ठी भर चावल मिला उस पूरे दिन उसी में संतुष्ट रहना, उस दिन कुछ नहीं मिला भगवान का जो है इच्छा है कि आज मैं पूरा भजन करूं विदाउट भोजन, तो वही करना है। लेकिन अर्जुन क्या करेगा, अर्जुन जाएगा भावती भिक्षाम दे भावती भिक्षाम दे भावती भिक्षाम दे, धर्म नहीं करता है, इधर उसका गला काट देगा या फिर उसको शाप दे देगा, वही करेगा, क्योंकि वो क्षत्रिय स्वभाव जो है वो बाहर निकल के आएगा ही, यस, वो बाहर डेफिनेटली निकल के आएगा, राइट, यस। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। या प्रभु, प्रभु आपने एक बात और बताई थी कि जब कर्म की बात की आपने, कर्मण्येव अधिकारस्ते, और उसमें कैसे भगवान को याद कर कर्म करना चाहिए और उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, तो प्रभु इसमें तो थोड़ा सा समझने में कभी कभी दिक्कत होता है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि हम सभी जो कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ हेतु होता है, मतलब कुछ तो हम लोग टारगेट रखते हैं, गोल रखते हैं और उसके कार्य करते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि फल की इच्छा भी, मैं मान लीजिए मैं विद्यार्थी हूँ, मेरा फल की इच्छा है कि मुझे उत्तीर्ण होना है परीक्षा में,
तो वो फल की इच्छा से उसके पीछे मैं अपना एफर्ट डालता हूँ। अगर मैं ऐसा अगर उसकी इच्छा ही नहीं रखूंगा तो आई डोंट हैव अ गोल और एम टू अचीव। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में वो फल की इच्छा तो होती है, तो ये कैसे समझ सके कि जब भगवान बता रहे हैं कि फल की इच्छा मत रखो तो उसके पीछे का क्या उद्देश्य है, और हम अपने प्रैक्टिकली उसको कैसे समझ सकते हैं और कैसे कार्य कर सकते हैं ताकि हम भगवान के उपदेशानुसार हम कार्य कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतोपि सह। सो कर्म को धर्म में परिवर्तित होना चाहिए और धर्म को नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, और उस धर्म को करने से वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए और उस वैराग्य से व्यक्ति ने तीर्थ पद सेवाय सेवा करनी चाहिए। अगर वो वैसा नहीं कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति मृत माना जाता है। इसका सुंदर शास्त्र भागवत में आता है सुंदर श्लोक। तो कर्म धर्म में कब परिवर्तित होता है? देखिए बहुत बार लोग बोलते कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, लेकिन ये कर्म पूजा तभी हो सकता है व्हेन देयर इज सम डिविनिटी एसोसिएटेड विद इट। यस, वरना कोई फैक्ट्री में नट बोल्ट बना रहे या फिर कोई प्रोग्रामर कोड कर रहे, व्हाट इज द डिविनिटी, वेयर इज वर्शिप हियर? यस, देयर हैज टू बी अ डिवाइन कंपोनेंट। वो डिविनिटी क्या है? कब? नेहयत कर्म धर्माय। तो कर्म धर्म में तब बदलता है जब व्यक्ति कर्म के फल भगवान की सेवा में लगाता है। दैट इज द कनेक्शन, राइट? दैट इज द कनेक्शन। तो कर्म का फल जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तब वो धर्म बनता है, क्योंकि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ सोल टू लव एंड सर्व कृष्ण। धर्म क्या है? सनातन धर्म, व्हाट इज इट? भगवान की प्रेममयी सेवा करना। ठीक है, प्रेम नहीं जागृत हुआ प्रभु जी, कोई बात नहीं, भगवान की सेवा करना, प्रेम सेवा करते रहो, प्रेम जागृत हो जाएगा। यस, वो डेफिनेटली जागृत होगा। तो यही है कर्म को धर्म में प्रवृत्तित करना, फिर धर्म पे रुकता नहीं है, भगवान की सेवा कर रहे, प्रेम जागृत नहीं हुआ है, फिर क्या? विरागाय कल्पते। ओ, जैसे हम भगवान की सेवा करते रहते हैं, जो अनर्थ कार्य है, अनैतिक कार्य है, जो अननेसेसरी अनवॉन्टेड एक्टिविटीज बोलते हैं उसको, वो अनर्थमय कार्य धीरे धीरे करके हट जाएंगे और व्यक्ति विरक्त हो जाएगा। विरक्त किससे? कृष्ण से विरक्त नहीं होना है, इस जगत के सुखों से विरक्त होना है, भोग वृत्ति से विरक्त होना है। तो वैराग्य मतलब क्या? भोग वृत्ति चली जाना। तो व्यक्ति अपने आप को भी भोक्ता नहीं मानता, व्यक्ति पूरी तरीके से अपने आप को सेवक मानता है, क्योंकि वो धर्म कर रहा है। यस, इसीलिए दीक्षा के समय हमें दास का ये शीर्षक जो है ये प्रदान होता है अंत में हमारे दाम में, और ये दास तब व्यक्ति तब बनता है जब वो भोग की आशा नहीं करता। जैसे कोई भोग करता है माया पकड़ देती है उसको। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्ना माया तारे छपटिया धरे। बराबर, तो न विराग न, और उस वैराग अभी भी इस दुनिया में कुछ भी भोग नहीं है, फिर क्या करना है? सेवा कर, और सेवा करनी है, अभी डायरेक्टली भक्तों की सेवा, तीर्थ पद सेवा, भक्तों की और कृष्ण की, दोनों की, भक्त और भगवान की सेवा में भक्तों की सेवा अधिक श्रेष्ठ है। यस, तो भक्तों की सेवा करो, क्योंकि भक्तों की सेवा से भगवान और प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों की सेवा, वैष्णव सेवा, इस पे जब व्यक्ति पहुंचता है तो ये व्यक्ति वास्तविक रूप में जीवित है शास्त्र अनुसार, क्योंकि वैष्णव सेवा करेंगे तो नाम रुचि आ जाएगी, क्योंकि वैष्णवों के पास नाम होता है कृष्ण का नाम, तो वैष्णवों से नाम प्राप्त करके व्यक्ति नामे रुचि प्राप्त कर देता है, और नामे रुचि करते करते व्यक्ति का हृदय इतना भर जाता है करुणा से कि वो फिर जीव दया करता है, यानी कि जाके प्रचार करता है। तो शुरुआत कहां से होती है? कर्म। सिर्फ कर्म करोगे तो आप कर्मी रहोगे। कर्म, कर्मी मतलब क्या? कर्मी मतलब वो व्यक्ति जो कर्म करता है लेकिन उसकी कोई भी आध्यात्मिक, देयर इज नो स्पिरिचुअल गोल, आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कर्मी कहते हैं। लेकिन वही कर्मी जब वो किसी भी तरीके से अज्ञात सुकृति प्राप्त करते, ठीक है भगवान के मंदिर में थोड़ा डोनेशन दे दिया, यस, किसी इस्कॉन टेम्पल में थोड़ा डोनेशन देने लग जाए, तो धर्म का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। बराबर,
हरि नाम के लिए डोनेशन दे दिया, पुस्तक वितरण के लिए डोनेशन दे दिया, इस तरीके से वो डोनेट करता है। हरे कृष्णा टीवी भी बहुत डोनेशंस मांगते हैं, तो डोनेशन दे दिया, तो कर्मी धर्मी बन जाता है। यस, कर्मी धर्मी बन जाता है, और ऐसी प्रकार से धर्म करता रहेगा करता रहेगा, उसको भौतिक विषय आसक्ति से वो विरक्त हो जाएगा, वैराग्य। ही विल नॉट वॉन्ट टू एंजॉय, अरे इस दुनिया में कुछ नहीं है। फिर क्या करे, फिर हम अभी भक्तों और भगवान की सेवा करेंगे, ऐसा व्यक्ति जीवित है। आई होप यू गॉट द कनेक्शन। यस, थैंक यू सो मच प्रभु। और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, बहुत सुंदर उत्तर मिल रहे हैं, और जिस तरीके से सनातन धर्म के आधार पर जो वर्णाश्रम की जो सिस्टम है उसके बारे में मैं समझता हूँ कि अभी कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपके पास उसका समुचित उत्तर होगा। आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऊंच नीच की बात नहीं है, समानता की बात है, गुणों की बात है। तो अगर आपने इस कार्यक्रम की लिंक अपने भक्तों, अपने भक्त मित्रों के साथ या अपने कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ अगर नहीं शेयर की है तो कर दीजिए। और ऐसे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं हरे कृष्णा टेलीविजन पर जहाँ पर सनातन धर्म प्रभु हर बार हर हफ्ते कार्यक्रम लेते हैं, उनकी में भी बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, तो वो भी आप रेफरेंस दे सकते हैं और वो कार्यक्रमों को भी देख सकते हैं। तो प्रभु जी, आपने ये भी बताया तो कि हमारा जो कर्म होता है उसमें हमारे गुणों के आधार पर, हमें अपने स्वभाव के आधार पर अपना कर्म करना चाहिए। और आपने ये भी बताया कि भगवान ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से दूसरों के धर्म का पालन करना है, दूसरों के जो कर्म है उनको करना कैसा भयावह हो सकता है। आपने अर्जुन का उदाहरण भी दिया, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि आपके गुण और आपके स्वभाव के हिसाब से आप कार्य करिए। अगर मेरा स्वभाव अगर किसी की सेवा करना है, मतलब मैं अगर वो वर्णाश्रम सिस्टम के इसमें मैं शूद्र में आता हूँ, मतलब वो कैटेगरी से, और मेरा स्वभाव है और मेरा गुण है ऐसा कि मैं दूसरों की सेवा करूँ, लेकिन मेरा जो वास्तविक जो मेरा धर्म है वो जो है वो ब्राह्मण में कुल में जन्म हुआ, और ब्राह्मण का मेरा जो अधिकृत मुझसे जो अपेक्षा की जाती है कि मैं एक शिक्षक बन के लोगों को आध्यात्मिक के आधार पर मार्गदर्शन करूं, तो ये थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। तो क्या आप समझने में सहायता कर सकते हैं, जैसा आपने उदाहरण दिया अर्जुन का, उसी प्रकार से मेरा गुण और स्वभाव अलग है और मेरा जो मुझसे जो निर्धारित ऑक्यूपेशन है वो एक अलग है, तो इस दोनों को कैसे समन्वय करके कैसे समझ सकते हैं? ओके, समझ गया। यानी कि अभी आप करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, आपके गुण जो है किसी और गुण के वर्ण के हैं, लेकिन आप कर्म के अनुसार किसी और वर्ण के कार्य कर रहे हैं और उसमें एक तरीके से अटक गए हैं, वी कांट मूव, ऐसी सिचुएशन लगाए। कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपका वर्ण कुछ भी हो, ठीक है, आपका वर्ण कुछ भी हो, जो वर्ण आपको गुणानुसार मिला है उसको कृष्ण की सेवा में लगाइए। वो कर्म भले ही आप जो है कर्म जो कर रहे हैं वो भौतिक रूप से वो एंगेज हो रहा है और आपको वहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि आप अपने नेचर के हिसाब से, आप अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से, उसको कहते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं साइकोफिजिकल नेचर, यानी कि व्यक्ति की वास्तविक प्रवृत्ति, उसके अनुसार व्यक्ति जो है एंगेज्ड युक्त नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली एक तरीके से असंतुष्टता होगी, इट विल बी देयर। यस, एंड बहुत बार आपने सुना है ना, पीपल से दैट फॉर मी वर्क इज प्ले, मेरे लिए जो है कार्य जो है काम जो है ये खेल की तरह है, आई एंजॉय माई वर्क, आई लव माई वर्क। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन जो है ये सिखाना है, टू टीच, आई लव टू टीच, टीच एंड लर्न, टीच एंड लर्न। तो मुझे अगर कोई बोले कि प्रभु आपको अगले 10 घंटे भागवतम क्लास सुनना है, आई विल लव विदाउट, आई विल लव इट, बिकॉज आपको अगले पूरा दिन भागवतम ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ऐसे थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस इंस्ट्रक्शन, मुझे बहुत संतुष्टि होगी। को बोले प्रभु जी आपको नेक्स्ट 7 डेज कंटिन्यूसली लगातार 8 घंटे सेमिनार लेना है, डन, बिकॉज दैट्स माई नेचर। लेकिन बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हमारे स्वभाव के हिसाब से हमें कर्म मिलता नहीं है, वी डोंट गेट दैट, देन व्हाट टू डू। उसके दो उत्तर देना चाहते, एक तो भौतिक जगत में अगर देखा जाए तो भौतिक जगत में हम लोग किसी कर्म में लगे हैं जो हमारे नेचर के में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपना नेचर एंगेज करना है। अगर नेचर जो प्रवृत्ति जो है ठीक से एंगेज नहीं करेंगे तो फिर हमें असंतुष्टता होगी, तो वो नेचर जो है हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। कोई ब्राह्मण है जैसे आपने बोला, लेकिन वो शूद्र का कार्य कर रहा है, क्या करें, कोई बात नहीं, ब्राह्मण का कार्य है प्रचार करना, आप प्रचार कार्य में लगिए, आपका ब्राह्मण स्वभाव जो है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, इज दैट ओके। कोई बोलेगा मैं क्षत्रिय के स्वभाव का हूं,
लेकिन कर्म शूद्र के कर रहा हूं, क्या करे। तो क्षत्रिय का कर्म करना है तो आप इस्कॉन में आइए, थोड़ा मैनेजमेंट सेवा लीजिए, जैसे फेस्टिवल का मैनेजमेंट हो गया, यस, कोई डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट हो गया, मंदिर का संचालन हो गया, एक काउंसिलिंग ग्रुप, कॉन्ग्रीगेशन ग्रुप, भक्ति रिक्शा का मैनेजमेंट हो गया, भक्तों का मैनेजमेंट हो गया, ये मैनेजमेंट ले लीजिए। उस हिसाब से आप वो आपका जो वास्तविक साइकोफिजिकल नेचर है, प्रवृत्ति है, उसको भगवान की सेवा में लगाइए, यू एंगेज दैट, राइट। और अगर अभी एक बात करते भक्ति में ही, अभी हमारे जो भक्ति की अथॉरिटीज है वो हमको कोई सेवा दे तो अगली बार भक्त जो है एक्सक्यूज दे सकता है, प्रभु जी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ब्राह्मण के स्वभाव का है, उसको व्यक्ति बोले कम ऑन आपका सेवा है, अभी आपको जाके बाथरूम क्लीनिंग करना है, प्रभु आप जानते नहीं हम प्रचारक हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्रों का कार्य नहीं करते, दैट्स नॉट डन। देखिए दैट्स नॉट डन, देखिए गुरु ने अगर अथॉरिटी, गुरु काउंसलर ये सब हमारे सीनियर्स हैं, शिक्षा गुरु, ये जो भी आज्ञा दे उसके हमें भरपूर करना चाहिए, क्योंकि हम लास्ट में अंततो गत्वा दास ही है। तो वहां पे सेवा के बेसिस पर, सेवा के स्तर पर कभी हमें मतभेद नहीं करना चाहिए, और ये सेवा ब्राह्मण सेवा, ये सेवा शूद्र सेवा, नहीं, वी शुडंट डिस्क्रिमिनेट लाइक दैट। टेंडेंसी एक होती है, लेकिन सेवा अगर सामने से मिले डेफिनेटली जो आए सेवा उसको हमें करना चाहिए, वी शुड डू इट जितना हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इतने अच्छे से समझाने के लिए। अब मैं आता हूँ आज के विषय पर। तो आज का जो विषय है वो इस अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है और उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं कि क्या धर्म में कर्म सम्मिलित होता है, या फिर कर्म करते करते हम धर्म का पालन कर सकते हैं, या क्या धर्म में कर्म सम्मिलित है, या कर्म के करते करते हम धर्म का पालन कर सकते हैं, या इन दोनों में से कोई बड़ा छोटा होता है, क्या धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है, ये आज का विशेष प्रश्न है। देखिए दोनों जरूरी है, हमें नहीं बोल सकते बड़ा छोटा क्या है, वी डोंट वांट टू डिस्कस दैट, दोनों जरूरी है, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो क्योंकि कर्म करना ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तो हम कौन होने वाले हैं, बोलते हैं 3.8 भगवद गीता, शरीर यात्रा पिचते। देखिए शरीर का पालन करने के लिए तो कर्म करो अर्जुना। तो अर्जुन को भगवान भक्ति सिखाने से पहले एक एक स्तर पर, पहले कर्म इज इंपॉर्टेंट, फिर कर्म को कर्म योग करो, फिर निष्काम कर्म योग करो, फिर निष्काम कर्म योग साधना भक्ति करो, ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते रहते हैं भगवान। तो भगवान भी बोलते हैं कर्म आवश्यक है, तो आप बोल नहीं सकते कर्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आवश्यक है, इट इज नेसेसरी, क्योंकि भगवद गीता में दिया है, फिनिश 3.8 नंबर वन, क्लियर, ठीक है। लेकिन कर्म के स्तर पर ही रहना इज नॉट करेक्ट, जो व्यक्ति कर्म करता है इज रेस्पॉन्सिबल, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं है, वो कर्म को धर्म में परिवर्तित करना है, और कर्म धर्म में तब परिवर्तित होता है जब व्यक्ति कर्म का फल भगवान को दिलाए, दे दे, तब कर्म धर्म बन जाता है, इज दैट ओके। तो आपका प्रश्न था कि कर्म में, कर्म को धर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, यस, भगवान की सेवा करके, या फिर भगवान का कर्म का फल भगवान को समर्पित करके। अगेन, क्या धर्म में ही कर्म है? वेल अगेन, इट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो धर्म दो प्रकार के, जैसे हमने कहा, एक शरीर का धर्म जो है वर्णाश्रम धर्म, और दूसरा है आत्मा का धर्म, यस। तो अभी जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, आत्मा के धर्म के साथ साथ हमें जो है शरीर का धर्म भी करना है, और कभी कभार इस शरीर के धर्म को कर्म कहते हैं, यू गॉट इट। इसलिए धर्म और कर्म दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे चलने चाहिए। अभी क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है? यस, तावन कुर्वाणी कर्माणि कुर्वीत यावन, दिस इज 11:20 and 9, आई जस्ट गेट दैट वर्स, 11th कैंटो 20th वर्स, मुझे उसका सेकेंड लाइन आ गया तो बाकी सब आ जाएगा। कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन, आ गया। यस, तो इसमें बोला गया तावत
कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। तो तब तक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए जब तक उसको श्रवण कीर्तन आदि में पूरी श्रद्धा न हो। जैसे श्रीवास ठाकुर और उनका परिवार एक ही कर्म करते थे, एक ही धर्म करते थे, संकीर्तन धर्म करते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपका परिवार तो बड़ा है, आपके चार चार भाई लोग हैं, आप लोग आपके पत्नियां हैं और आपके इतने सारे पुत्र हैं, घर कैसे चलता है भाई, इसके लिए क्या करते हो? तो श्रीवास ठाकुर ने कहा हम संकीर्तन करते हैं और हमारे घर में भरपूर प्रसाद आता है। कैसे? 3 बार ताली बजाते हैं, 3 बार ताली बजाई, ये देखो प्रसाद आ गया, वाह। और महाप्रभु ने डाउट पूछा, सपोज आपने 3 बार ताली बजाई और प्रसाद नहीं आया तो क्या करेंगे? श्रीवास ठाकुर का वो देखो गंगा मई, सीधा डूब के गंगा मई की जय, सीधा शरीर दे दूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु बोला वाह श्रीवास ठाकुर, इतनी श्रद्धा है आपको हरिनाम में, संकीर्तन में। एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी भिकारिन बन के प्रत्येक घर घर में भीख, ऐसे बनेगी नहीं बता रहे, लक्ष्मी जो है भिकारिन बन के प्रत्येक घर घर में जाके भीख मांग सकती है, लेकिन श्रीवास आपको जो है रोज प्रसाद मिलेगा आप जो है कभी भी निराश नहीं होंगे। दैट्स व्हाट महाप्रभु टेल्स। तो बताने की ये बात है कि तब तक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए जब तक उसमें इस प्रकार की श्रद्धा न हो कीर्तन में, श्रवण में। देखिए परीक्षित महाराज बैठ गए, उन्होंने ये प्रसादम का कुछ अरेंजमेंट, राजा थे वो चाहते तो सारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर आइटम्स सबका मैनेजमेंट, जितने भी ऋषि मुनिगण सब आए सबका प्रसाद का व्यवस्था कर दो, प्रसाद टॉयलेट बाथरूम पानी का व्यवस्था, कुड हैव डन ऑल द मैनेजमेंट। उन्होंने वो सब सोचा, अगले 7 दिन का पूरा प्रबंध सबको होना चाहिए, मैं अकेले थोड़ी खाऊंगा सबके सामने, सबका करू, ही डिडंट बॉदर, जस्ट सैट देयर। श्रवण मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। तो जब तक ऐसी इस प्रकार की श्रद्धा नहीं है तब तक तावत कर्माणि कुर्वीत, कर्म करने चाहिए। तो कर्म धर्म दोनों आवश्यक है। यस, तो कर्म इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया शरीर का धर्म, और धर्म यानी कि वास्तविक रूप में आत्मा का धर्म। तो एक तरीके से धर्म भी एक कर्म है, कर्म भी एक धर्म है। आई होप दैट्स क्लियर, राइट? एंड दोनों आवश्यक है। जी बिल्कुल क्लियर है प्रभु। जब कर्म की बात करते हैं तो कर्म में हम अपना अपना कर्म करते हैं, और जैसा आपने बताया कि उसका जो कर्म करते करते अगर वो धर्म परिवर्तित नहीं होता है तो फिर वो कर्म बन के रह जाता है, उसके बंधन होते हैं, और फिर व्यक्ति उससे उचित स्तर पे आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। तो कर्म करते हैं तो इसमें, और कर्म को भगवान को समर्पित करने की बात की गई है, तो कर्म करते हैं तो जैसे अगर मान लीजिए, आई एम यूजिंग दिस एग्जांपल बट मान लीजिए कि कोई कसाई है या कोई चोर है या कोई गलत तरीके से कार्य करता है, अगर वो ये बोले कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ दैट आई एम ऑफरिंग टू कृष्णा और ऑफरिंग टू गॉड, तो फिर ये कर्म क्या धर्म में परिवर्तित होगा? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। महाभारत में एक उदाहरण दिया गया है। महाभारत में एक तपस्वी होता है, ये तपस्वी अपनी साधना कर रहा होता है, जब वो साधना कर रहा होता है ऊपर से एक पक्षी क्या कौवा ऐसा करता है, तपस्वी उसको ऐसा देखता है तिरकी नजर से, उसको जला देता है। फिर वो तपस्वी जो है भिक्षा मांगने जाता है, और भिक्षा मांगने जाता है तो वो भवती भिक्षाम देई, तो अंदर से माता जी बोलती है आप थोड़ा रुकिए, जाइएगा मत, रुकिए। और फिर वो लेट आती है, वो वहां से गया नहीं, भिक्षुक धर्म 3 बार मांगा नहीं मिला, अगले घर जाओ, लेकिन वो जाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहता था इस स्त्री को जला दे, थोड़ा गुस्सा करके इसको भी जला दूंगा। लेकिन वो जैसी नजर ऐसे घुमाता है स्त्री जलती नहीं है, उल्टा स्त्री बोलती है तुझे क्या लगा कि क्या तुम मुझे उस पक्षी की तरह जला दोगे? साधु शौक हो गया, भाई आपको कैसे पता, YouTube लाइव देखा आपने, हाउ डिड यू नो? तो बोलता है मैं अपना कर्म कर रही थी, मैं पति की सेवा कर रही थी, और पति के सेवा के बीच में भगवान भी आ जाए मैं डिस्टर्ब नहीं होगी, समझे, चुपचाप भिक्षा लो। वो बोलते हैं माता आप तो बहुत महान है, आप जली नहीं, ऊपर से आपको पता भी लग गया मैंने पक्षी को जला दिया, आप थोड़ा धर्म का प्रचार कीजिए। वो बोलते तुम जाके व्याद बोल के कसाई है, व्याद
व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य काय के श्लोक आता है, जो व्याध बोल के एक कसाई है उसके पास जाके धर्म सीखो। तो कसाई जो है वो जानवरों को काट रहा होता है, यू इज कटिंग मीट, और ये व्यक्ति नाक दबा के जाता है और वो उसको कर्म के बारे में समझाता है। तो अभी देखा जाए महाभारत में ऐसा कहानी क्यों आता है, तो ऐसी कहानी जो गैर जिम्मेदार लोग है, वी हैव टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट हैज कॉन्टेक्स्ट, तो जो गैर जिम्मेदार लोग है उन सबको कर्म का महत्व स्थापित करने के लिए ऐसी कहानी लिखी जाती है, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। और शास्त्र में देखा जाए, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, तो ये अभी कसाई का एग्जाम्पल कुछ लोग देते हैं कि यार ये कसाई कर रहा था लेकिन धर्म का बड़ा बड़ा बात कर रहा है, व्हाट इज दिस। सो पूर्व कर्म के कारण ऐसा हो सकता है, पूर्व कर्मों के कारण, पूर्व जन्म के पापों के कारण व्यक्ति बड़े धर्मात्मा था लेकिन उसने ऐसे पाप किए जिसकी वजह से वो उस कार्य में, जघन्य कार्य में लगा हुआ है। जैसे कि कोई वेश्या होती है, पिंगला द प्रोस्टिट्यूट, अगर हम देखेंगे अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरु में एक गुरु कौन है, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, पिंगला, वो भी एक गुरु है उनकी और उनसे वो सीखता है, यस, उनसे भी शिक्षा ग्रहण करता है, डिटैचमेंट की शिक्षा, किस प्रकार से पिंगला विरक्त हो जाती है, उसकी शिक्षा वो धारण करते हैं। आगे बढ़ के देखा जाए तो ऐसे व्याध का एग्जाम्पल हो गया, प्रोस्टिट्यूट, द्वारका में भी कुछ वेश्याएं थे जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, यस। तो इस तरीके से देखा जाए तो पेशा, जैसे हम बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे परिस्थिति में लगे हुए हैं जो भौतिक स्तर पर भी जघन्य है और नारकीय जाते हैं, दे गो टू हेल, वो अपने पूर्व कर्म के अनुसार उनको उस प्रकार का परिस्थिति प्राप्त हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो हम देखते हैं वृत्रासुर का। वृत्रासुर कोई शिखा रखने वाला तिलकधारी हरे कृष्ण कंठी मालनधारी भक्त नहीं था, उसके बड़े बड़े सिंह थे, लाल लाल आंखें थी, यस, वो बिल्कुल एक राक्षस, कोई भी देख के बता नहीं सकता भाई ये भक्त है, 16 माला जप करता है, चार नियम पालन, नोबडी कैन से दैट, वो तो देवताओं को कच्चा चबा के खा रहा था, बिकॉज ही वाज पुट इन दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति में उसको डाला गया था। लेकिन अगर हम वित्रासुर के प्रार्थनाएं पढ़ेंगे, अहम हरे तव पादे कमूल दासान उदासो भवितास्मि भूया, ऐसे वो प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, तो हम जान पाएंगे वास्तविक रूप में तो उच्च कोटि के भक्त हैं, इस उत्कृष्ट कोटि के महान भागवत है ये, ऐसे हमें उनकी प्रार्थनाओं से प्रतीत होता है। बट ही इज पुट इन अ सिचुएशन बिकॉज ऑफ बीइंग कर्स्ड बाय मदर पार्वती, पार्वती माता ने के शाप के कारण उनको उस प्रकार की व्यथा प्राप्त हुई। तो देर आर सम एग्जाम्पल्स लाइक दैट इन शास्त्रस, शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें दिखते हैं जो पूर्व जन्मों के पाप के कारण जो है ऐसे विकट परिस्थिति में है जहां पे उनको विवश होके पाप करना पड़ रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से उनकी चेतना बहुत उच्च है। तो हमें इन लोगों को अपना उदाहरण बनाना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट सी देम एज एग्जाम्पल्स, नो। तो हमें उदाहरण किसका लेना चाहिए, हमें उदाहरण लेना चाहिए मृगारी का, हमें उदाहरण लेना चाहिए डाकू रत्नाकर का। मृगारी जो था वो पशु पक्षियों को अधमरे अवस्था में छोड़ करके उनको तड़पते हुए देखकर उसको आनंद होता था, यूज टू फील सैडिस्टिक प्लेजर, क्रूएल। लेकिन जैसे नारद मुनि का संग हुआ, सब कुछ अपना धनुष तोड़ करके, अपना पापमय जीवन त्याग करके, नदी के किनारे तुलसी के सामने अपनी पत्नी को लेकर जाकर के वो हरिनाम का जप सतत करता रहा। दिस इज द एग्जाम्पल यू हैव टू फॉलो। डाकू रत्नाकर को देखिए, वाल्यकोड़ जिसको बोलते हैं, वो तो ऋषि मुनियों तक को लूट रहा था, ऋषि मुनियों ने जाके उपदेश दिया, रे नराधम द्विजाधम, जाके पूछो परिवारजनों से क्या वो लोग तुम्हारे पाप का भोग करेंगे, तो परिवारजन बोल दिए नहीं नहीं वो फल हमारा पाप तुम्हारा, बोला बस अभी खत्म, अब मैं गुरुजनों को समर्पित हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा अभी। तो गुरुजनों को उनको मरा मंत्र का राम राम जब भी नहीं पाए थे वो, क्योंकि वो बहुत पापी थे, तो मर इति ऐसा मंत्र उनको जप करने को बोला, और मर 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 करते राम नाम का जप करके उन्होंने अपना जीवन शुद्ध कर दिया। सो वी हैव टू टेक सच एग्जाम्पल्स। या फिर हरिदास ठाकुर के जीवन में भी एक वेश्या आई थी, यस,
तीन दिनों में हरिदास ठाकुर को जो है अपने कदमों तले रखना चाहती थी और उनको जो है बंदीगृह में लेके जाना चाहती, लेकिन हरिदास ठाकुर के प्रचार से वो शुद्ध भक्त बन गई। उसने जितने भी अपने जेवर कपड़े सब कुछ उन्होंने दान कर दिया ब्राह्मणों में, और अपना पूरा सर का मुंडन करके एक सफेद साड़ी पहन करके वहां पे सतत तुलसी के सामने हरि नाम जपने लग गई, ये वेश्या। तो हमें इस प्रकार के उदाहरणों का जो है सहारा था, यू हैव टू टेक एग्जांपल्स नॉट द अदर वंस। हमें ऐसे उदाहरण नहीं देखने चाहिए जो वास्तविक स्तर में बहुत भक्ति स्तर में ऊपर थे, लेकिन कुछ शाप के कारण या कुछ पाप के कारण उनको निम्न स्तर के कार्य करने पड़े, लेकिन आंतरिक चेतना बहुत अच्छी बनी। ऐसे उदाहरण को हमें पालन नहीं करना है। यू हैव टू फॉलो द एग्जांपल्स ऑफ दीस पीपल जिन्होंने पापमय जीवन त्याग करके जो है उच्च आध्यात्मिक जीवन को स्वीकारा। तेषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां तेनोन्द मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। दीस आर द एग्जांपल्स यू हैव टू फॉलो। यस जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं अंतिम प्रश्न लूंगा मेरी तरफ से, फिर हम दर्शकों के पास चलेंगे उनके प्रश्नों के लिए। प्रभु, हमने धर्म की परिभाषा समझी आपसे, कर्म की भी परिभाषा समझी, और कई प्रवचनों में आपने बताया है कि कर्म भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पे विकर्म, अकर्म और निष्काम कर्म की बात आती है, तो ये सब हमने समझ लिया। बट जब हम प्रैक्टिकली व्यवहार जीवन जीते हैं, तो अभी हम सोच रहे हैं, समझते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, बट व्यवहार जीवन जीते हैं उसमें जाने अनजाने में हम कार्य में अपने कर्तव्य में इतने निर्लिप्त हो जाते हैं कि उसमें जो एक ध्यान होना चाहिए, जो एक अलर्टनेस होना चाहिए, विजिलेंसी होना चाहिए, वो कभी कभी छूट जाता है। तो हमें पता होता है लेकिन अनजाने में वो छूट जाता है। तो धर्म का ज्ञान रखते हुए कर्म को कैसे करते रहें ताकि हमें कर्म भी जो है हमारा उसको भी शत प्रतिशत अपनी पूर्ण निष्ठा से, अपने पूर्ण ऊर्जा से, अपने पूर्ण स्त्रोत लगा के कर सके, और साथ साथ में धर्म का पालन भी होता रहे, ताकि अलग अलग तरीके से उतना पड़े और दोनों तरीके से दोनों जगह पर हम कहीं पर भी छूटे ना और हमारे से कोई त्रुटि ना रह जाए। इसका बस अंतिम उत्तर दे दीजिए चलेंगे दर्शकों के पास। बिल्कुल, मैं दो लोगों के लिए उत्तर देना चाहता हूँ। ये मैं बहुत जो लोग नए हैं वो वेरी न्यू कमर्स, उनके लिए एक उत्तर दूंगा और भक्तों के लिए भी एक उत्तर दूंगा, और दोनों उत्तर जो है बिल्कुल लागू होते सबके लिए। सो जो लोग न्यू कमर्स है, म्यूट प्लीज। थैंक यू। सो जो नए लोग हैं, कर्म तो कर रहे, कर्म करना इज वेरी नेचुरल, ये स्वाभाविक है। यस, बहुत स्वाभाविक है कि हम कर्म करते रहेंगे। बट आप लोगों को धर्म समझना है, और धर्म कैसे समझते हैं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब हम प्रश्न करते हैं जीवन के ऊपर, जीवन के बाद क्या होता है उसके ऊपर, इन सब चीजों का जब हम प्रश्न करते हैं, यस, प्रश्न उठाते हैं कि जीवन क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन के बाद क्या होता है, मृत्यु क्या है, यस, ये सारे प्रश्न जब हम करते हैं, क्वेश्चंस, इसको सब धर्म पृच्छा कहते हैं। इट्स टू इंक्वायर व्हाट इज लाइफ, व्हाट हैपेंस आफ्टर लाइफ, व्हाई आर वी सफरिंग, हमें क्लेश क्यों हो रहे हैं। तो ये एक नए व्यक्ति को करना चाहिए, एक्चुअली नए व्यक्ति नहीं, प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। देखा हमारा वेदांत सूत्र जो है, वेदांत सूत्र शुरुआत कैसे होता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कोई बुक देयरफॉर से स्टार्ट होता है। अथा तो मीन्स देयरफॉर, देयरफॉर कहां आता है? देयरफॉर लास्ट में आता है, कंक्लूजन। लेकिन हमारे शास्त्र जानते हैं, ये लोग वैसे भी निकम्मे लोग हैं, बुक पहला पेज खोल के छोड़ देंगे, इसलिए शुरुआत में ही जो है कंक्लूजन, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बोला गया है। तो ये प्रत्येक जीव जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसका कर्तव्य है कि ही इंक्वायर्स अबाउट लाइफ। तो इस सद्धर्म परीक्षा से हमारा आध्यात्मिक मार्ग शुरू होता है। तो ऐसे प्रश्न करके हमें जो है भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना चाहिए, साधु संतों से, भक्तों से। वी हैव टू लर्न द शास्त्रस। तो यहां से शुरुआत कीजिए, फिर आप कर्मी से धर्मी की ओर बढ़ेंगे, नंबर वन। यस, ये न्यू कमर्स के लिए। और भक्तों के लिए क्या बोलूंगा, भक्त भी जो है कर्म में सीधा लग जाते हैं, और फिर वहां भूल भी जाते हैं कि हम भक्त हैं, वी डिवोटीज, और वी सपोज्ड टू बी डिवोटीज। हमें भक्तों जैसा व्यवहार करना है। अरे, हमारी भी दीक्षा हुई है, हम भी श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में हैं, हम भी फिलॉसफी जानते हैं, सब भूल जाते हैं। हाउ? इसलिए मुख्य चीज जो श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाई है
इज द मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह का कार्यक्रम, सुबह उठ करके मंगल आरती, हरि नाम का जप, भागवत श्रवण, प्रसाद, उसके बाद हम लोग जो है अपने कार्य में जाते हैं. एंड अगेन कमिंग बैक फ्रॉम वर्क देयर हैज टू बी एन इवनिंग प्रोग्राम आल्सो समथिंग. यस, हर कोई व्यक्ति टेंपल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 4:30 to 9 यू मे नॉट बी एबल टू डू एट होम. और इवनिंग प्रोग्राम ओके 6:30 तुलसी आरती, फिर 7 गौर आरती, 7:30 नरसिंह आरती, फिर भगवद गीता कक्षा, इसके बाद शयन आरती. वी मे नॉट बी एबल टू डू सो मच, इतना हम नहीं कर सकते. बट वी हैव टू हैव सम प्रोग्राम जो हमें सुबह और शाम कंपनी में जाने के बाद और कंपनी से आने के बाद हमें कृष्ण की थोड़ी स्मरण दिलाए. अल्टीमेटली स्मर्तव्यम सत्वम विष्णु विस्मर्तव्यो जातो नातु सत्व सर्व विधि निषेधातो यतोयोरि विकिंकरः. संपूर्ण शास्त्र के दो ही नियम है, एक ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, हमेशा कृष्ण का स्मरण कीजिए, दूसरा नेवर फॉरगेट कृष्ण, कृष्ण की विस्मृति कभी मत कीजिए. यही दो नियमों के आधार पर जो है हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं. वी लिव आवर लाइफ एज पर दिस टू प्रिंसिपल्स. तो ये इसको करने के लिए बहुत आवश्यक है, हम थोड़ा मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम वी शुड डेफिनेटली, एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम सैंडविच बोलते हैं राइट, ये होना चाहिए. फिर हम कर्म करते हुए भी धर्म को भूलेंगे. सर ओके म्यूट. यस प्रभु, थैंक यू सो मच. हम बढ़ेंगे हमारे कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर, जहां पर दर्शकों की प्रतीक्षा को संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं और उनका प्रश्न लेते हैं. तो सबसे पहला प्रश्न आज के लिए जो आ रहा है आपके लिए, वो पूछा जा रहा है पंकज चौहान जी की तरफ से. हरे कृष्णा, व्हाट इज द जेंडर ऑफ सोल? सोल हर जन्म सेम जेंडर की बॉडी में आती है. हाउ टू नो विच कर्मा इज फ्री विच इज प्रारब्ध? ओके यस, तो शास्त्र के अनुसार सोल का जेंडर इस प्रकृति, आत्मा प्रकृति होती है. जितनी भी जीवात्माएं सारे प्रकृति हैं, केवल भगवान पुरुष है. यस, दिस इज द ट्रूथ ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल. म्यूट. यस, आध्यात्मिक जगत में भी देर आर मेल बॉडीज. आध्यात्मिक जगत में भी पुरुष के शरीर है, स्त्री के शरीर है, बच्चों के शरीर है, पशुओं के शरीर है, वृक्ष के शरीर है, लेकिन ये सारी प्रकृति है. सो हर जन्म में सेम जेंडर की बॉडी मिलती है जरूरी नहीं है. अगर एक पुरुष एक स्त्री से आकर्षित होके अपना शरीर छोड़ दे तो अगले जन्म में वो स्त्री बनेगा. पुरंजन की कहानी सुनते हैं हम लोग, पुरंजन जो है अपने पत्नी से आकर्षित था, पुरंजनी, और अगले जन्म में वैदर भी बन जाता है राइट. उसी प्रकार से स्त्री अगर अपने पति के बारे में सोच करके या पुरुष के बारे में सोच करके शरीर त्याग करती है, वो पुरुष का शरीर प्राप्त करते हैं. हाउ टू नो विच कर्म इज फ्री विल विच इज प्रारब्ध? ओके, फ्री विल क्या है और प्रारब्ध क्या है? ओके, एक तरीके से हमें प्रारब्ध भी किस तरीके से प्राप्त हुआ है, फ्री विल के कारण ही. प्रारब्ध जो है आज, ये हमारे स्व इच्छा की वजह से ही हमें प्राप्त हुआ है. प्रारब्ध इज व्हाट इज देयर अभी प्रेजेंट टेंस में, मतलब हमारे पॉकेट में कितना पैसा है, दैट इज प्रारब्ध. यानी कि जो कर्म हम लोग, ये शरीर ही एक तरीके से प्रारब्ध है, जो स्वभाव हमें मिला ये प्रारब्ध है. ये भी हमारे पिछले जन्म का मिसयूज ऑफ फ्री विल है. मिसयूज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहे. ये स्वेच्छा का दुरुपयोग है. स्वेच्छा का सदुपयोग मतलब कृष्ण और भक्तों की सेवा करना और भगवत धाम के लिए निकलना. यस, दैट इज प्रॉपर यूज ऑफ फ्री विल. ओके यस, आगे बढ़ेंगे और लेंगे अगला प्रश्न. निखिल जी का प्रश्न है, प्रभु जी प्लीज लिसन टू मी, इफ अ पर्सन डाइड बिकॉज़ ऑफ सुसाइड, हाउ कैन आई हेल्प द सोल रीच वैकुंठ? माय मॉम डाइड ड्यू टू डिप्रेशन. ओ हरे कृष्णा, पहली बात तो आपके माता के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं. और अगर आप भागवत महात्मा पढ़ेंगे तो उस भागवत महात्मा में जो है कहानी आती है धुंधुकारी और गोकर्ण की. तो धुंधुकारी बहुत ही पापी व्यक्ति होता है, लेकिन वो अपने भाई गोकर्ण से जो है अनुरोध करता है कि उसको मुक्ति दिला दे. तो गोकर्ण जब सूर्य नारायण की पूजा कर रहे तो सूर्य भगवान उसके लिए एक भागवत सप्ताह आयोजित करने का जो है सलाह देते हैं. तो आप भी आपके माता के लिए भागवत का पाठ आयोजित कर सकते हैं आपके घर में, और उसका आध्यात्मिक सुकृति जो है माता को समर्पित कर सकते हैं. और आप अपने मृत माता के लिए जो है हरिनाम संकीर्तन का भी आयोजन कर सकते हैं.
These are the two ways in which you can definitely help the poor soul. Hare Krishna. पढ़ेंगे और लेंगे अगला प्रश्न. Aditya Mishra ji ka prashna hai, when I didn't take sadhana seriously, I had only Krishna in mind. After getting serious, like chanting, etc., I started having materialistic desires, feeling bad about my love for Krishna. What should I do? ये थोड़ा सा विपरीत प्रश्न है उनका, कि जब वो साधना में थोड़े गंभीर नहीं थे, मतलब साधना में गंभीर नहीं थे, तब वो कृष्ण के बारे में सोचते थे, और अभी जैसे जैसे वो गंभीर बनते जा रहे हैं तो उनके बहुत सारे उनके डिस्ट्रेक्शन आ रहे हैं और बहुत सारी भौतिक इच्छाएं जागृत हो रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? पोएटिक वे में इसको आंसर करना चाहता हूँ. जब आप साधना नहीं करते हैं लेकिन आपको लगता है आप कृष्ण को याद कर रही है और सेंटिमेंटल, मैं इंग्लिश में बोलूंगा उसके बाद हिंदी में बताता हूँ. फर्स्ट यू आर सेंटिमेंटल, लेकिन आप अभी सीरियसली चैंटिंग कर रहे हैं, यू बिकम मेंटल, बट यू कीप चैंटिंग यू बिकम ट्रांसेंडेंटल. सो सेंटिमेंटल, मेंटल, ट्रांसेंडेंटल, ये यात्रा होती है हम सबकी. तो खास करके भारत में वगैरह सब लोग सोचते अपने आप को, मैं भगवान भक्त हूँ, मैं भगवान का सबसे देवा, ओ देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और भक्तों में हमसे बढ़कर कौन, यही भाषा होती है हमारी. तो हम लोग सब सोचते कृष्ण ही हमारे याद रहते, दैट इज अ वेरी सेंटिमेंटल, भावुकता बोलते इसको. यस, दैट इज नॉट व्हाट इज भक्ति. आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत पढ़िए, जो नवसिखिए भक्तों के लिए प्रभुपाद बताते हैं उसमें कि भक्ति इज नॉट सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन और इमेजिनेटिव एक्सटेसी, ये भक्ति नहीं है. यस, तो अगर आप साधना नहीं कर रहे थे तो कृष्ण मन में नहीं थे आपके, माया ही थी, आपको लगता है आप बड़े भक्त थे या कृष्ण थे, नो. लेकिन आप अभी साधना में गंभीर बने, यस, अभी क्या हो रहा है, अनर्थ निकल रहे धीरे धीरे बाहर. यस, धीरे धीरे अनर्थ निकल रहे हैं और आप उस स्तर पर है. लेकिन आप जब करते रहिए गंभीरता से करते रहिए, इफ यू आर गेटिंग सीरियस, कंटिन्यू सीरियसली योर जपा, धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और प्रेमोदय होता रहेगा. यस, so what should I do? Keep chanting. Do not focus on result, focus on sadhana. आप नाम पे ध्यान दीजिए, भागवत की वाणी पे ध्यान दीजिए, श्रील प्रभुपाद के प्रवचन और कथनों पे ध्यान दीजिए, and you keep praying that माम इच्छाप्तुम धनंजय, I want you Krishna, मैं कृष्ण को चाहता हूँ. ये प्रार्थना करते हुए अपनी साधना में लगी रही है, अवश्य ही आप प्रगति करेंगे. So ये जर्नी है सेंटिमेंटल, अभी आप मेंटल बन गए हैं, मेंटल से ट्रांसेंडेंटल भी बन जाएंगे. थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन करते रहिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आगे बढ़ना चाहूंगा और लेना चाहूंगा अगला प्रश्न. अगले प्रश्न को किया जाए. सीजल बलदेव जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, हाउ डू आई फाइंड आउट, जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे जान सकते हैं? ओके, एक तरीके से प्रत्येक जीवात्मा का जीवन का उद्देश्य भगवत धाम जाना ही है. यस, टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड. हाउ डू आई फाइंड आउट? वेल, यू हैव टू रीड द स्क्रिप्चर्स, यू टू लिसन. आप शास्त्र पढ़िए, संतों की वाणी सुनिए, इससे आप पता कर लेगी. आई वॉन्ट टू आंसर इट ऑन अनदर लेवल ऑल्सो. वॉट इज पर्पज ऑफ माई लाइफ? एक तो आध्यात्मिक पर्पज हो गया, उसी के साथ साथ यू माइट वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज योर वर्ण और आश्रम, इंक्लिनेशन किस तरीके से है. वेल, दैट ओनली यू हैव, यू नो, यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस. आपको कौन से, आपके गुण क्या है? इफ यू गो, थोड़ा रिवाइंड करेंगे आप तो उस सेक्शन में जहां पे हम वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं, यू मे वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट ऑल्सो. देखिए, आत्मा का लक्ष्य वेरी क्लियर है, एवरीबडी गोल इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड, इट डेवलप प्योर लव फॉर कृष्णा थ्रू साधना भक्ति, चैंटिंग द होली नेम, यही है, दिस इज द ट्रूथ. हाउ विल यू फाइंड आउट? बाय हियरिंग एंड रीडिंग स्क्रिप्चर्स. You'll understand this. But अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रही है, दैट इज टू रियलाइज साइकोफिजिकल नेचर क्या है मेरा, तो वो आप अपने गुण प्रदान की, भगवद गीता पढ़िए 18वां अध्याय, उसमें आपका, आप कौन से गुण के अंदर कर अंतर्गत आती है वो पता लगेगा. टॉक टू अ मेंटर जो बताएंगे कि किस प्रकार की सेवाएं या किस प्रकार के कार्य आपको एंगेज रखेंगे. कैन डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो. ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद. आगे बढ़ेंगे और लेंगे अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है जॉली सिंह जी की तरफ से. हरे कृष्णा, क्या मोक्ष के लिए सब चीज छोड़ना जरूरी है? मोक्ष के लिए जो है सब चीज छोड़ना जरूरी है से अच्छा सब कुछ भगवान से जोड़ना है. हमें कुछ छोड़ना नहीं, भगवान से जोड़ना है.
और जो चीज भगवान से जुड़ती नहीं है उसको छोड़ना है, राइट। जैसे पाप, चार पाप कार्य, मांसाहार, व्यभिचार, नशा, जुआ, ये भगवान से जुड़ते नहीं, तो इसके अलावा बाकी सब कुछ हम भगवान से कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ भगवान से जोड़ना है। यस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को लेंगे। सिद्धि भगत जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा, हाउ कैन वी नो अवर साइकोफिजिकल नेचर, डज इट आल्सो चेंजेस विद टाइम, कैन यू प्लीज गिव मी मोर डिटेल्स ऑफ दिस। जनरली साइकोफिजिकल नेचर आपको पता लगेगा व्हेन यू एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड यू टॉक टू योर मेंटर्स एंड कौन से गुण के आधार पे होता है, यू कैन फाइंड आउट। हर कोई व्यक्ति बता सकता है कि हमें ब्राह्मण प्रवृत्ति है, क्षत्रिय प्रवृत्ति है, वैश्य प्रवृत्ति है, शूद्र प्रवृत्ति है, एंड समटाइम्स इट कैन बी मिक्स ऑफ ऑल, मिक्स भी होता है, कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के टेंडेंसी, वो राजऋषि बनता है, अ पर्सन में है बोथ, दोनों टेंडेंसीज हो सकती है और दोनों चीजें हम एंगेज कर सकते हैं कृष्ण की सेवा में। समवन में हैव ऑल ऑल्सो, सारी टेंडेंसीज हो सकती है व्यक्ति में। डज इट चेंज विद टाइम, वेल इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, यस। व्यक्ति जब ये वर्णाश्रम धर्म जो है, दिस एक्वायर्ड नेचर, यस, ये नैमित्तिक धर्म है, नित्य धर्म नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति नैमित्तिक धर्म से परे हो जाता है, देन इट चेंजेस और नित्य धर्म प्रकाशित होता है, दैट इज अ चेंज। बट एज सच, या इट कैन चेंज, साइकोफिजिकल नेचर कैन चेंज, इट डजंट चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत समय तक नहीं चेंज होता। आई होप आई हैव गिवन डिटेल्स, आई गिव इट। या या, और सिद्धि जी थोड़ा सा मतलब ये भी है कि कहीं कभी कभी नाम थोड़ा सा अगर अलर्ट रहेंगे, थोड़ा सा हमारे साथ जो होता है, जो हम लोग को रिएक्शंस मिलते हैं उसको थोड़ा सा अलर्ट रह के अगर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो ट्रायल एंड एरर के अहसाब से भी आपको समझ में आने लगेगा कि किस प्रकार का अभाव स्वभाव है और किस परिस्थिति में आप विपरीत हो जाती हैं और किस परिस्थिति में आपको अनुकूलता का अनुभव होता है, तो उससे भी आपको थोड़ा अनुमान लग सकता है धीरे धीरे। ये आगे बढ़ेंगे और लेंगे अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है पवन अहुवालिया जी की ओर से। हरे कृष्णा प्रभु जी, फॉर एवरी लिटिल थिंग इन लाइफ आई नीड टू वर्क वेरी हार्ड, नथिंग कम्स इजी वे, दैट इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत को पवर्ग बोला गया, पवर्ग, याद है हम लोग पढ़ते थे क ख ग घ ङ च छ ज झ ङ ट ठ ड ढ ण त थ द द न, फिर प प ब भ म, इसको पवर्ग कहते हैं। ये भौतिक जगत का स्वभाव है, पर फॉर परिश्रम यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न फूड। अगर खाना खाना है, रात को रोटी चाहिए, परिश्रम, और परिश्रम के कारण क्या हो जाता है, फेड़, इट फूम्स इन द माउथ, व्यक्ति पूरा शरीर से त्रस्त ग्रस्त हो जाता है, फेड़ बोलते हैं उसको, फेड़, और फिर छोड़ना चाहता है लेकिन छूटता भी नहीं, क्यों, बंधन, यू कैन नॉट गिव इट अप, और फिर भय, ओ मेरा क्या हुआ आगे, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, फ्यूचर, इनसिक्योर अबाउट फ्यूचर, भाई, और अंत में मृत्यु, दैट्स द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, यस। तो जिस प्रकार से जेल में होता है प्रिजन, हमको दिखाते हैं कुछ जेल में व्यक्ति पड़ा हुआ है जेल में, नहीं, एक्चुअली जेल में बहुत कसरत कराते हैं, व्यक्ति जाके पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, यू हैव टू ब्रेक द स्टोन्स, बाप रे, बहुत काम करना पड़ता है, कड़े पड़े काम नहीं करेगा तो लाठी पड़ेगी उसको। सो जस्ट लाइक द जेल प्रिजनर इज मेड टू वर्क वेरी हार्ड क्योंकि उसने कुछ क्राइम किया है, उसी प्रकार से वी, हम सब लोग भी इस भौतिक जगत में प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, और हमें सुधारने के लिए जेल, जिस प्रकार से एक क्रिमिनल जो होता है कैदी होता है, यस, दुर्जन जो होता है उसको सज्जन बनाने की परिवर्तन क्रिया होती है, उसी प्रकार से हम दुरात्मा हैं, हमको जो है महात्मा बनाने की प्रक्रिया जारी है। So if you work hard to become Krishna conscious, you will not feel the burden of this material world. Yes, nothing will come easy till we are in material world. Lekin aap apna dharma theek se karenge, you lead a happy life. So dharma is that which will make you happy eventually. Yes. जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आगे बढ़ेंगे और लेंगे अगला प्रश्न। अभिषेक भगत जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर कोई निष्ठापूर्वक भक्ति कर रहे हैं लेकिन दीक्षा से पहले उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी गति क्या होती है, क्या ऊपर के लोगों में जन्म लेकर वही से भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं? यस, क्वाइट पॉसिबल। देखिए,
जब व्यक्ति निष्ठापूर्वक भक्ति कर रहा है और दीक्षा क्या है ये जानना भी आवश्यक है। दिव्यम ज्ञानम ततो यज्ञात् कुर्वन् पापस्य संशयम्। व्यक्ति ने एक आध्यात्मिक गुरु को अपने पूर्ण जीवन में स्वीकार लिया है, उनकी शिक्षाएं स्वीकार ली है, निष्ठापूर्वक साधना कर रहा है। एक बार क्या हुआ था कि एक भक्त थे, मैंने ये कहानी पहले भी बताई है शो पर, एक भक्त थे जो अपने बहुत वरिष्ठ थे, अपने पोते को जो है वो स्कूल छोड़ने गए थे और बीच रास्ते में वो चल बसे। तो मंदिर के भक्त बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए, उन्होंने गुरु महाराज को फ़ोन किया और महाराज को बोले बहुत प्रामाणिक भक्त थे, निष्ठावान भक्त थे, बहुत ही नैष्ठिकता से भक्ति करते थे, लेकिन उनकी दीक्षा नहीं हुई, क्या होगा। महाराज ने एक ही प्रश्न किया, क्या उन्होंने जो है अपना 16 माला पूरा किया था। सर यस, वो हमेशा उठ करके 32 माला सुबह कर लेते थे। डोंट वरी, ही इज गॉन बैक टू गॉड, क्वाइट पॉसिबल, राइट। क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक गुरु को स्वीकारा अपने हृदय में, उनका पालन करे, दो दैट इज दीक्षा। एक होती है औपचारिक प्रक्रिया, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो औपचारिक प्रक्रिया होती है वो भी इंपॉर्टेंट, लेकिन वास्तविक दीक्षा तब होती है जब व्यक्ति एक आध्यात्मिक गुरु को अपने हृदय में निवास देता है और उनके आज्ञा अनुसार ही उनको प्रसन्नता के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है। श्रील प्रभुपाद जी 1922 में अपने गुरु से मिले थे और तभी उन्होंने कहा कि मैं उनको गुरु मान चुका हूँ अपने हृदय में, और फिर 1933 में औपचारिक रूप से उनकी दीक्षा हुई थी। तो वास्तविक रूप में प्रभुपाद की दीक्षा कब हुई थी? 1922 में ही हो गई थी, लेकिन 1933 वाली भी जरूरी थी। लेकिन सपोज जिस प्रकार से औपचारिक रूप से दीक्षा नहीं होती तो, लेकिन व्यक्ति पूरा पालन कर रहा है तो उसकी आध्यात्मिक सदगति भी हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आगे बढ़ना चाहूंगा, लेना चाहूंगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न है 3D4RE। ओके, हरे कृष्ण, आई रीड द soldier goes to heaven if he get dead in war and life span in heaven is greater compared to earth, then why I hear that many soldiers reincarnated after 3-4 years of war? Please reply. इसको हिंदी में अनुवाद करना आपको? जी, वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत बार पढ़ा है कि जो सैनिक जो होते हैं वो अपने युद्ध में अभी अपने प्राण त्याग देते हैं तो वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, और स्वर्ग धरती के कंपैरिजन में स्वर्ग में ज्यादा बेहतर जीवन होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि बार बार सोल्जर जो होते हैं वो वापस उसका पुनर्जन्म होता है? आपने दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बताया, दैट्स व्हाई बिहाइंड एवरी टेक्स्ट देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् युद्धिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ये किसके लिए बोला है? धर्म युद्ध के लिए बोला गया। जो धर्म युद्ध में धर्म के लिए, धर्म के पक्ष पर जो है युद्ध करता है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। बट नॉट दीज सोल्जर्स हु आर टॉकिंग अबाउट, जिन सोल्जर्स की आप बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो धर्म युद्ध में भाग लिए हैं, राइट? सो दे रीइनकार्नेट। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आगे बढ़ना चाहूंगा और लेना चाहूंगा अगला प्रश्न। सुनील कुमार जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं रोजाना गीता पढ़ता हूँ और प्रभु की आरती करता हूँ, लेकिन भगवान से अटैच नहीं हो पा रहा हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं भगवान के अटैच हो जाऊँ और भगवान के प्रति मेरा विश्वास बढ़ जाए और प्रति विश्वास हो जाए? भक्तों से अटैच हुए। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनि कवि विदाम, कृष्ण से डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकते। ये हमारा प्रॉब्लम है, हम लोग सोचते मैं और कृष्ण, ये कनिष्ठ भक्त की प्रवृत्ति है। तो हमें भक्तों से अटैच होना है, गुरु से अटैच होना है, फिर हम देखेंगे ऑटोमेटिकली हम कृष्ण से अटैच हो जाएंगे। तो फर्स्ट डेवलप अटैचमेंट टू डिवोटीज, भक्तों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, फिर हम कृष्ण से अटैच होंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, भगवद गीता का 7वां अध्याय का 1वां श्लोक पढ़िए, उसमें भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं कि उनसे अटैच कैसे होना है। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशय समग्रम माम यथाज्ञासि तत् श्रुणु। भगवान के बारे में सुन के भी हम भगवान से अटैच हो जाएंगे, उनके बारे में और सुनना चाहिए, जितना सुनेंगे उतना हम आसक्त हो जाएंगे उनसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ूंगा और लेना चाहूंगा अगला प्रश्न। ध्रुव शर्मा जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी,
if one wants to become a brahmachari when he is living his living with his parents and duties for them have a duties for them to kya bhagwan humse khush honge like bhagwan ram ne bhi to 14 varsh ka vanvas liya tha वो एग्जांपल नहीं समझ राम का वनवास और ये नहीं समझ में आया वो ऐसा वो मतलब आज्ञा से ही जी ये राम राज्यम उपसित ये क्या राम वनम गत्वा कहिए ना दशरथ कैकेय प्रिय कारणात ब्राह्मण में आता है तो वो 14 वर्ष वन गए पितृ देश निर्देशात कैकेय प्रिय कारणात तो पितृ आदेश था पितृ आदेश था कैके माता की वजह से गए वो वन तो अगर ब्रह्मचारी कोई व्यक्ति अगर माता पिता को त्याग करके आश्रम ज्वाइन करता है तो एक तरीके से वो भी दोष प्राप्त करता है पाप है वो जब तक वो शुद्ध भक्त नहीं बनता तब तक इसलिए भक्ति में गंभीर अगर कोई व्यक्ति पेरेंट्स को छोड़ करके पितृधर्म छोड़ करके आश्रम किसी चला जाता है माता पिता की सेवा नहीं करता तो वो पापी है तो एक तरीके से पितृ दो पितृ पाप भी लगता है पितृ पितरों का या फिर माता पिता का आज्ञा का न पालन करते दोष लगता है और पिता आज्ञा का दोष नहीं पालन किए तो परशुराम जी के 9वें स्कंद में अगर हम पढ़ेंगे परशुराम सत्र में जो जमद अग्नि के पुत्र थे वो पिता आज्ञा पालन नहीं करते वो सब पिशाच बन जाते हैं घोस्ट बड़ा रिस्क है लेकिन अगर ब्रह्मचारी जो है वो संपूर्ण रूप से गुरु की सेवा में मग्न है और प्रचार के कार्य में लगा हुआ है और अपनी भक्ति साधना बहुत भरपूर अच्छे से कर रहा है फिर इसको कुछ नहीं लगता ये सारे पाप कुछ नहीं लगते उल्टा माता पिता को शुद्ध भक्ति मिल जाती है और वो भी बड़ी भक्ति करेंगे ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी हमारे लिए समय निकालने के लिए बस आज के लिए इतना ही आपको बस स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप हफ्ते दर हफ्ते इसी प्रकार से हमसे जुड़ते रहे भगवान से बस वही प्रार्थना है बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हरे बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जिगर जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय तो आज हमने धर्म की और कर्म की दोनों की परिभाषा जान ली और कर्म किए बिना इस संसार में कोई नहीं रह सकता और कर्म कैसे करना चाहिए उसके लिए हमें जरूरी है कि हम कर्म के सिद्धांत को पढ़े भगवद गीता को पढ़े ताकि हम समझ सके कि वास्तव में हमसे अपेक्षित कर्म कौन सा है और उस कर्म को इस आधार पर करें कि वो कर्म करते करते साथ में हम धर्म का पालन कर सके ताकि हम कर्मी बनकर ना रहे वो धर्मी बन जाए और धर्मी व्यक्ति ही आध्यात्मिकता में उन्नति कर सकता है और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकता है और अपने जीवन को परिपूर्ण बना सकता है और दूसरों को भी इसके लिए संदेश दे सकता है तो आज के लिए बस इतना ही अभी आगे चलकर अगर मुझे अवसर मिला तो आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक अपना ध्यान रखिए कर्म के सिद्धांतों को पढ़ते रहिए भगवद्गीता पढ़ते रहिए धर्म का पालन करते रहिए और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धर्म और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं अगर धर्म करेंगे तो कर्म के लिए प्रेरित होंगे और अगर कर्म में धर्म जोड़कर करते रहेंगे तो आपकी उन्नति निश्चित है बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा